अस्सलाम वालेकुम। आज हम बंद गोभी के पकौड़े बना रहे हैं, जिसके लिए हमने बंद गोभी ली है कटी हुई बारीक 2 कप, मैदा 1 कप, कॉर्न स्टार्च आधा कप, नमक चाहिए आधा टीस्पून या थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, नमक टू टेस्ट, सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर लेंगे आधा टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई लेंगे 1 टीस्पून, अजवाइन लेंगे 1/4 टीस्पून, 1 अदद अंडे की सफ़ेदी लेनी है। अंडे की सफ़ेदी को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, 1 या 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से अंडे की सफ़ेदी को बीट कर लें। अब हमने एक बॉल लेना है, इसके अंदर हमने मैदा डालना है 1 कप, कॉर्न स्टार्च डालेंगे आधा कप, नमक डालेंगे आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, नमक आप बाद में टेस्ट भी कर लें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही डाल लें, वाइट पेपर का पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून, ब्लैक पेपर का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लेना है, बिल्कुल पकौड़े की बैटर की तरह ही तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर करेंगे। बैटर को हमने अच्छी तरह से पानी डालकर मिक्स कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पतला भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा थिक मीडियम सा होना चाहिए। अब आप इसको टेस्ट कर लें, नमक टेस्ट कर लें, मिर्च टेस्ट कर लें। अब हमने इसमें अंडे की सफ़ेदी डाल देनी है, अंडे की सफ़ेदी को हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करना है। अंडे की सफ़ेदी को मिक्स कर देंगे सारे बैटर में। अब हमने बंद गोभी डाल देनी है, कैबेज कटी हुई 2 कप ले लें, ये थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। बंद गोभी को हमने मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट तक हमने इसको इसी तरह पड़े रहने देना है, उसके बाद हमने पकौड़े फ्राई करने हैं। कुकिंग ऑयल को हमने एक पॉट में गर्म कर लेना है। अब हमने बंद गोभी के पकौड़े तल लेने हैं, 1 चमचा भर कर डालते जाएंगे। आग को हमने मीडियम ही रखना है। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, हल्का हल्का इनको गोल्डन करें, गोल्डन ब्राउन सा, तो बहुत क्रिस्पी मज़ेदार हैं। इनमें आप नमक मिर्च चाहें तो थोड़ी तीखी कर लें।
बहुत डिफरेंट है लेकिन टेस्टी है बहुत। छोटे छोटे फ्राई करेंगे सिर्फ एक चमचा भरकर, बहुत बड़े नहीं बनाना। मज़ेदार हल्के फुल्का स्नैक है। अब हमने पकौड़ों को निकालना है। इनको आप अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लें। इनको आप चाइनीज पकौड़े भी बोल सकते हैं, बंद गोभी के पकौड़े भी कह सकते हैं। बेहतरीन, वेरी टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी हैं और मज़ेदार फ्लेवर है। इनको आप चिली सॉस के साथ खाइए और पूरा मज़ा लीजिए। इसी तरह हमने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। ये देखिए, अब हमने इमली की चटनी तैयार करनी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी के अंदर हमने इमली की पेस्ट डाल देनी है। थोड़ा सा पानी डाला है, आधा कप, 3 से 4 टेबलस्पून हमने इमली की पेस्ट डाल देनी है। इसके अंदर हमने कुटी लाल मिर्च डाल देनी है, आधा टीस्पून के बराबर या थोड़ी सी ज़्यादा ले लें। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, जो कि हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है ज़ीरा, उसको हमने पीस लिया है, ये थोड़ा सा डालेंगे। आधा टीस्पून हमने चीनी डालनी है, या बिल्कुल थोड़ा सा डालें अगर ज़्यादा खट्टी करनी है, थोड़ी सी चीनी डाल दें। अजवाइन डालेंगे 2 चुटकी और थोड़ा सा नमक डालेंगे 2 टेस्ट। थोड़ा सा डालिए, बाद में ज़रूरत हो तो और भी डाल लें। इमली की चटनी को हमने तब तक पकाना है जब तक थोड़ी गाढ़ी हो जाए, थिक हो जाए। इसके अंदर आप चीनी की जगह पर गुड़ भी डाल सकते हैं और अगर चाहें तो आप रेजन भी थोड़े से पीस कर डाल सकते हैं। थोड़ी देर हम चटनी को और पकाएंगे, थिक करनी है हमने। चटनी हमारी अब रेडी है। देखिए ऊपर बबल बन रहे हैं। बबल बनने के बाद भी थोड़ी देर पकाना है, इस तरह से थिक होनी चाहिए। नमक, मिर्च और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मज़ेदार इमली की चटनी तैयार हो जाती है। ये आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ खाइए। अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके इस्तेमाल करें, छोटी छोटी प्लेटों में डाल दें। अब हमारे मज़ेदार चाइनीज पकौड़े तैयार हैं। इनको आप बंद गोभी के पकौड़े भी कह सकते हैं, चाइनीज पकौड़े भी। ये देखिए, बहुत क्रिस्पी, मज़ेदार, अंदर से नरम है, ऊपर से क्रिस्पी है। आप इमली की चटनी लगाकर खाएं, बेहद मज़ा आएगा। अब हमारे बहुत ही मज़ेदार चाइनीज पकौड़े तैयार हैं। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।